गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन 3 ऑफ जियो, मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। एज यू नो डैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, आपको पता है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स घूर्णन, रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको कहते हैं रोटेशन, यानी कि घूर्णन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब सूरज के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में, यानी कि उसकी ऑर्बिट में जब पृथ्वी घूमती है तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमण। यानी जब सूरज के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है उसको परिक्रमण बोलते हैं, एक निश्चित फिक्स पार्ट पे, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degree विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। क्या होता है बेटा, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो एक काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, और ये क्या करती है, एक एंगल बनाती है 66.5 degree किससे, ऑर्बिटल प्लेन से, जिसे कक्षीय समतल कहते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं हर ग्रह के, हर प्लेनेट के, तो एक कक्ष बन जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, मान लो ये सारे, जैसे ये है राउंड राउंड, तो बहुत सारे, जब हमने जब सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाया था तो बहुत सारी लाइन्स इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। आ गया ना, बहुत सारे जो ऑर्बिट होते हैं उनसे एक प्लेन सा, एक कक्ष स्थापित हो जाता है, उसको कहते हैं हम कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है सभी प्लेनेट जो हैं वो सन से लाइट मिलती है उनको, तो अर्थ को भी सन से ही लाइट मिलती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्पेरिकल शेप के कारण ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। सिर्फ हाफ अर्थ को ही सन से टाइम लाइट मिल सकती है। ये देखो, जो भाग सन के सामने होगा उसको लाइट मिलेगी, दूसरे पे लाइट नहीं जाएगी। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जिस पोर्शन पे सन की रेज पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और जिस पोर्शन पे लाइट नहीं होगी वहाँ नाइट होगी। द सर्कल डैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये सर्कल ग्लोब पर हाफ हाफ बन जाता है, जो कि डे और नाइट वाले उसमें वो करता है, तो उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं इसे, प्रदीप्ति वृत्त। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स प्रदीप्ति वृत्त। दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है बेटा, आप ग्लोब पर जो ये है, यह वृत्त एक्सिस के साथ नहीं ज्वाइन होता, जैसा कि आप 3.2 फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सिस इस साइड झुकी हुई होती है। और अर्थ को अपनी रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 hours चाहिए होते हैं, तो इस टाइम पीरियड को, 24 hours के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। ठीक है, पृथ्वी दिन कहा जाता है, और ये जो है वो दर अर्थ पृथ्वी की दैनिक गति होती है, डेली की गति होती है। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? The portion of the earth facing the sun would always experience day. तो क्या होगा, जो portion होगा sun की side earth का, वहाँ पे हमेशा ही दिन रहेगा। Thus bringing continuous warmth to the region. और उस क्षेत्र को लगातार heat मिलती रहेगी। The other half would remain in darkness. और दूसरे half में हमेशा darkness रहेगी, अंधेरा रहेगा।
एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहाँ ज़्यादा ठंड हो जाएगी वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सेकेंड मोशन है अर्थ की, जो कि वो सन के अराउंड परिक्रमा करती है अपने ऑर्बिट पर, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, यानी परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। इट टेक्स 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कितने डेज लगते हैं बेटा सन की वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को? 365 1/4 डेज। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम क्या करते हैं, एक साल में सिर्फ 365 डेज काउंट करते हैं और हर साल जो 6 आवर्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक वन डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर। और ये 6 आवर्स मिलके क्या बनते हैं बेटा, 4 साल में एक पूरे 24 आवर्स यानी वन डे बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेबररी। और 4 साल के बाद ये जो एक वन ईयर वन डे बन जाता है वो फेबररी के मंथ में ऐड हो जाता है। थस एवरी फोर्थ ईयर, हर चौथे साल, फेबररी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। इसलिए हर 4 साल के बाद फेबररी में 29 डेज होते हैं जबकि नॉर्मल ईयर्स में 28 डेज होते हैं। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और हर फोर्थ ईयर जो ईयर हो जाता है वो 366 डेज का हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट ईयर लीप ईयर विल बी। अब बताइए 220 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आप ये देखिए 3.3 फिगर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार, यानी दीर्घवृत्ताकार मीन्स एलिप्टिकल ऑर्बिटल पथ पर जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, दिस इज अ रिवॉल्यूशन ऑर्बिट वे ऑफ। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप ये देखिए कि पूरी रिवॉल्यूशन में क्या वो एक ही दिशा में झुकी हुई है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। एक ईयर को हम 4 सीजन्स मौसम में डिवाइड कर सकते हैं, समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब सीजन चेंज होते हैं तो अर्थ की पोजिशन भी सन के चारों ओर घूमते हुए चेंज होती है, यानी जो सीजन चेंज होते हैं जब रिवॉल्यूशन के दौरान अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तभी सीजन भी चेंज होते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी डैट ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या देखेंगे आप पिक जो 3.3 फिगर है उसमें देखेंगे कि 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इसीलिए इस एरिया को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग। और जो एरियाज होते हैं पोल्स के पास उनको लेस हीट मिलती है क्योंकि वहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. ठीक है बेटा, क्या होता है
कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए वहाँ पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और क्योंकि क्या होता है, वो पोर्शन जो होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के उत्तर ध्रुव जो होता है वो सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और बहुत बड़े भाग में सूरज की रोशनी लगातार मिलती रहती है, इसलिए वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑक्योर ऑन 21 जून। इसलिए 21 जून को इन रीजन्स में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ओके, एट दिस टाइम इन द नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि रात दिन लंबा और रातें उस क्षेत्र में इस दिन के बाद से सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। डू यू नो डेट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब 22 दिसंबर को साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज, क्योंकि क्या होता है, सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूरज की किरणें क्योंकि वो होती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रोशनी रहती है, इसलिए यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं और समर सीजन होता है। इसके ठीक ओपोजिट वहाँ स्थिति क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो पृथ्वी की इस कंडीशन को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है क्रिसमस। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड एन एक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर को सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं। इस पोजिशन में पोल, कोई भी किसी भी पोल्स का भाग जो है सन की साइड झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी अर्थ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं इन दो दिनों में, 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर को। तो इस स्थिति को हम एक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन 23 सेप्टेम्बर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सेप्टेम्बर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और 21 मार्च को इसका अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये पता चल गया होगा कि रात दिन बनते हैं, सीजन्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ से। ओके बेटा, लेसन दिस लेसन केयरफुली।